कोरोना महामारी के चलते लंबे लॉकडाउन के कारण खरगोन जिले में सेगावा के समीप ग्राम गोलवाड़ी के किसानों के खेत में हरी सब्जियां सूखने से हो रही हालत खराब। पूरे क्षेत्र में कोरोना वायरस के चलते किसानों की सब्जियां जो प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी, आज वो सब्जियां भी खेतों में सड़ने पर सूखने लगी। एक और किसान बेबस है, वहीं दूसरी ओर किसान टमाटर जानवरों को खिलाने के लिए विवश है, क्योंकि बाजार में इसके लेवाली नहीं। मिली जानकारी के अनुसार गोलवाड़ी में महिमाराम पाटीदार ने 2 एकड़ और राकेश यादव ने 10 एकड़ में टमाटर, लोकेश यादव ने 2 एकड़ में भिंडी और कृष्णकांत यादव ने 1 एकड़ में गिलकी, मुकेश मंडलोई ने 2 एकड़ में टमाटर और कमल यादव ने 3 एकड़ में भिंडी लगा रखी। लॉकडाउन कारण अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों को शासन के उचित मुआवजे की मांग की है। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कौन सी फसल लगा रखी है आपने? टमाटर की। अच्छा, तो कहाँ बेच रहे हैं अभी? पहले मंडी पहुंचा रहे थे, अभी लॉकडाउन की वजह से मंडी में उनमें रेट नहीं मिल रहा है, तोड़ के नहीं आई, जानवरों को उन्हें खिला रहे। अच्छा, क्या चाहते हो आप? चाहते हैं कि टमाटर की फसल में हमें खर्च करीबन 1 लाख रुपए एकड़ का खर्च लगा है। अच्छा, तो लॉकडाउन की वजह से खर्च निकालना मुश्किल पड़ रहा है हमारा। अच्छा, तो कुछ भी शासन से हमारी ये है कि कुछ भी उसकी राहत राशि। क्या नाम लिखते हो आप? राकेश यादव। कहाँ से? कोलवाड़ी से। कौन कौन सी फसल लगाई आपने? अभी फसल हमने गिलकी और भिंडी लगाई है, और लॉकडाउन के कारण बिक नहीं रही है, ये बहुत परेशानी पूर रही है। इंदौर वगैरह कुछ जगह भी नहीं जा रही है, अभी सब खराब हो रही है फसल। क्या नाम लिखते हो आप? लोकेश यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।